हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आ स्कूल कलेक्टेड रुपीज 2304 एज फीस फ्रॉम इट्स स्टूडेंट्स। इफ इच स्टूडेंट पेड एज मेनी पैसे एज देयर वर स्टूडेंट्स इन द स्कूल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द स्कूल। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है। तो एक स्कूल ने कलेक्ट किया इतना रुपीज फी के फॉर्म में, ठीक है, स्टूडेंट्स से। अब कह रहा है कि यदि इच स्टूडेंट, मैंने प्रत्येक स्टूडेंट यदि पे किया उतना ही पैसे जितने कि उस स्कूल में स्टूडेंट्स थे, तो बताइए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द स्कूल। तो कितने स्टूडेंट्स थे उस स्कूल में। यहाँ पे मान लेंगे कि लेट देयर वर एक्स स्टूडेंट्स इन द स्कूल, इन द स्कूल एंड ईच पेड एक्स पैसे एज देयर फीस। ओके, तो हमने मान लिया कि एक्स पैसे, मान लीजिए कि वो फीस की तरह से पे किए और एक्स स्टूडेंट्स टोटल थे। तो क्योंकि बोला है इसमें कि उतने ही पैसे पे किए जितना कि स्टूडेंट्स थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर कि अब टोटल मनी निकाल लेंगे पहले। सो टोटल फीस कलेक्टेड बाय द स्कूल क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एक्स में, एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इतना पैसे, मतलब कि एक्स स्क्वायर पैसे टोटल जो है स्कूल कलेक्ट किया होगा। लेकिन ये एक्स स्क्वायर पैसे पैसे में है यहाँ पर, और ये जो कलेक्ट किया फीस वो रुपीज में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे रुपीज में, मीन्स एक्स स्क्वायर अपान 100 डिवाइड कर लेंगे तो रुपीज हो जाएगा। अब इतना रुपीज जो है इक्वल होगा इतने के, तो हम क्या करेंगे, इट इम्प्लाइज यहाँ से लिख लेंगे डायरेक्टली यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर अपान 100, ये टोटल नंबर ऑफ फीस है, इतना फीस है टोटल। तो ये जो है फीस तो दिया हुआ है 2304, तो इसके बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर क्रैश मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 230400। अब यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, व्हाट विल वी गेट, मिलेगा हमें एक्स इजक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 230400। इसका मतलब कि आपको क्या करना है, 230400 इसका क्या करना है, कर लेना है आपको फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे करते हैं पहले हम 8 से, तो 8 2 जा 16, 7 बचा 70 हो गया, 8 8 जा 64 और फिर 8 8 जा 64 00, फिर यहाँ 8 से कटेगा। ओके, 8 3 जा 24 48 हो गया, 8 6 जा 48 48 00 हो गया। अब यहाँ फिर से 8 से कटेगा, 8 8 4 जा 32 एंड 440 हो गया, 8 5 जा 40 450 हो गया। अब यहाँ पर 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 1 बजा 10 हो गया, 2 5 जा 10 225 जो है अब कटेगा 3 से, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। अब ये जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 25 एंड 25 जो है पता ही है 5 से कटेगा एंड 5 जो है 5 से कटेगा। तो हमें मिल गया फैक्टराइजेशन यहाँ पर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर निकालेंगे हम, यहाँ पर इसके अंदर रख देंगे सबको फैक्टराइज करके प्राइम फैक्टर्स। तो 2 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 2, ये 8 वाला हो गया, ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये वाला 8 हो गया। अब इस वाले 8 के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 2 है आपका, एक बार 2 लिख देंगे, इन टू। अब ये 3 3 दो बार है,
थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव, फाइव इंटू फाइव। अब यहाँ पे पेयर बना लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन पेयर्स बन गए हैं। अब इच पेयर जो है एक एक बाहर निकल जाएगा, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव। तो अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, टू टू जा फोर, टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन टू जा थर्टी टू, एंड थर्टी टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव टू जा फिफ्टीन, क्या मिलेगा? फिफ्टीन टू जा थर्टी का जीरो, थ्री का जीरो वन, फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव एंड थ्री फोर्टी एट, मीन्स 480 आ जाएगा। मतलब कि यहां पर आ गया कि 480 स्टूडेंट्स वर देयर इन द स्कूल। सो या फिर हेंस लिख सकते हैं, हेंस हेंस देयर वर 480 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। ओके, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, 480। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।